आयसा जिला कमेटी की बैठक जीडी कॉलेज बेगूसराय के दिनकर सभागार में बतौर पर्यवेक्षक आयसा राज्य सचिव समीर कुमार की अध्यक्षता एवं नगर अध्यक्ष सोनू फरनाज के संचालन में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आयसा राज्य सचिव समीर कुमार ने कहा कि भेदभावपूर्ण तथा छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ छात्र संगठन आयसा 31 मई को दिल्ली में छात्र सांसद बुलाई है, जिसमें कई बुद्धिजीवियों और सांसद तथा देश भर के विश्वविद्यालयों से छात्र शिरकत करेंगे। आगे राज्य सचिव ने कहा कि आज सरकार शिक्षा के वैज्ञानिक और शोध विधि को समाप्त कर अंधविश्वासी शिक्षा थोपने में अडिग है। नई शिक्षा नीति आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान की और सामाजिक न्याय के अन्य विधिवत प्रावधानों जैसे छात्रवृत्ति, फेलोशिप, हॉस्टल सब्सिडी तथा धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद शब्द की अनदेखी करती है तथा NEP 2020 में कहीं भी सभी वर्गों के बच्चों के लिए या वंचित वर्गों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक जनादेश का उल्लेख नहीं करता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से 40% नौकरियां समाप्त होगी एवं गरीब एवं वंचित वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा से वंचित होंगे। सरकार को कॉर्पोरेट परस्त शिक्षा नीति वापस लेकर सामान्य स्कूल शिक्षा प्रणाली लागू करने पर जोर देने की जरूरत है। आयसा जिलाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि इस अभियान को तेज करते हुए 10 मई को प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 की बरसी पर सांप्रदायिक हिंसा व शिक्षा का भगवाकरण करने, CBSE की किताबों में सांप्रदायिकता, लोकतंत्र की विविधता एवं फैज मुक्तिबोध की कविताओं को हटाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने, नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान, विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में कैंपेनिंग चलाते सैकड़ों छात्रों को दिल्ली छात्र सांसद में भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे। वही मौके पर महिला कॉलेज नेत्री लक्ष्मी कुमारी और प्रिया कुमारी ने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 5 दिनों से आवास को लेकर आंदोलन पर सैकड़ों PMCH में पढ़ने वाली GNM की छात्राओं और आयसा नेताओं को पुलिस द्वारा पीटा गया, जबकि उनका मांग वाजिब है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी छात्राओं को PMCH के आसपास रहने का जगह दिया जाए और दूसरी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। इस बैठक में आयसा जिला कमेटी सदस्य असीम आनंद, सुजीत कुमार, नंदलाल शिवम, रंजन राजन, कुंदन जयप्रकाश, राशिद, अभिषेक आनंद, अंकित समेत अन्य सदस्य भी शामिल थे। BNP न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट।